कौशाम्बी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और जिले के सांसद विनोद सोनकर पहुंचे, जहां उनको जिला पंचायत सदस्य प्रधान और ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। विरोध को देखते हुए सांसद कार्यक्रम किए बिना ही वहां से वापस लौटने लगे, जिस पर जिला पंचायत सदस्य और ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने किसी प्रकार लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खाली करवाया और सांसद की गाड़ी को बाहर निकलवाया। सांसद की गाड़ी बाहर गई और ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जो कि जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दरअसल कुछ दिन पहले जिला पंचायत सदस्य और सपा नेता शायमा देवी का जिला प्रशासन ने मकान सहकारी जमीन में होने की बात कहकर गिरा दिया था, जिससे जिला पंचायत सदस्य शायमा देवी के साथ ग्राम प्रधान और कोटेदार समेत ग्रामीण लोग खफा थे। यही कारण था कि जिला पंचायत सदस्य प्रधान ग्रामीणों के साथ मिलकर सांसद विनोद सोनकर का विरोध करना शुरू कर दिया।